हलचल टीवी न्यूज। प्रदेश में आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जिस कारण से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। ये कहना है चौचरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि आने वाले 48 घंटों में प्रदेश में हल्के बादल छाएंगे और 7, 8, 9 को प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है, लेकिन इसके बाद मौसम साफ रहेगा। डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि गेहूं की फसल के लिए ज्यादा ठंड होने आवश्यक है, लेकिन इस बार ज्यादा ठंड नहीं गिर रही, ऐसे में गेहूं की फसल पर असर नजर आने लगा है। गेहूं के साथ साथ पिछेती सरसों की फसल पर सर्दी कम गिरने का प्रभाव कहीं कहीं नजर आ रहा है। आने वाले अगले 48 घंटे जो है आमतौर पर मौसम जो है में बादल छाए रहेंगे और कई जगह जो है 7, 8, 9 तीन दिन तक जो है कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बूंदाबांदी भी हो सकती है अपने पूरे हरियाणा में। उसके बाद जो है मौसम साफ होने की संभावना है और सुबह शाम जो है धुंध गिरेगी और उसके बाद जो है रात का तापमान भी गिरने की संभावना है। इस बार जो सर्दी गिरने का मुख्य कारण जो है हमारे जो आसमान पर पिछले हम देख रहे हैं 10-15 दिन से छोटे छोटे हल्के बादल जो है आसमान पर रहते हैं, और जब आसमान में बादल रहते हैं तो उस टाइम पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर मौसम साफ होता है तो उस टाइम जो मौसम जो है क्लियर होता है तो तापमान गिरने की संभावना होती है। इस बार जो पिछले 10-15 दिन से लगातार ही हम देख रहे हैं कि आसमान पर हल्के मौसम बादल छाए हुए हैं, और जो ये बादल हैं ये लोकलाइज हैं और कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के भी हैं, लेकिन वो उसकी वजह से मेन कारण है। तो गेहूं पे ज्यादा असर अभी तक दिखाई नहीं दिया, अगर आगे अगर ऐसा मौसम रहता है तो गेहूं पे भी असर आने की संभावना है। लेकिन दूसरी जो है बारले जो जिसको बोलते हैं उसमें थोड़ा हल्का प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि ये बरानी हो या कम पानी वाली फसल है। और लेट सॉन जो सरसों है उसमें भी एक दो जगह देखने आया है कि वहाँ जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। हलचल टीवी न्यूज़।